लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक हुए मरीजों की संख्या 40,970 महाराष्ट्र। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, कोरोना से जुड़ी हुई मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है, लगातार ये बढ़ रही है देश में। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। लाख लोगों को वैक्सीन लगी, कुल मिलाकर देश में अब तक 26 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो देश में जो कोरोना का आंकड़ा है वो 62,000 के आसपास रहा। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गांवों में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया।
ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା, ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରା ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।